कि हम सब बिल्डिंग को 40 साल हुआ है, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 40 साल हुआ है। ऑलराइट, तो 40 साल तक इस पाइप ने हमें पानी दिया, 40 साल तक इस ईंट ने हमारी रक्षा की, 40 साल तक इस सीमेंट ने हमारा ख्याल रखा। तो इस सीमेंट, ईंट और पाइप के लिए जोरदार ताली हो जाए। नहीं, ताली के लेडीज लोग, आप लोग क्या ताली में बजा रहे? जोरदार ताली। 40 साल तक आपको पानी दिया। हाँ, वो भी पीने वाला पानी, गंदा पानी का भी ठीक है, पानी ने ख्याल रखा। हाँ, बाहर निकाला। तो आज हम क्या करेंगे कि सिर्फ मनोरंजन, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ मनोरंजन है। यहाँ से सुनना और यहाँ से छोड़ना, दिल में कुछ नहीं लेना, समझने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बात को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो, एंजॉय करो। और मैं कुछ बेहुदा सवाल आपसे करूंगा मनोरंजन के लिए, बेहुदा सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे बेहुदा जवाब देंगे। जो सबसे बेहुदा जवाब देगा, जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये सबसे बेहुदा जवाब है, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। तो क्या है मेरे पास गिफ्ट के तौर पे? ये है माउस पैड। माउस पैड से क्या करते हैं हम? माउस पकड़ते हैं, बिल्कुल सही। माउस पैड से माउस पकड़ते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, माउस पैड से माउस पकड़ते हैं, ठीक है। और क्या है मेरे पास? ये है मोबाइल होल्डर। फोटो में आपको दिखाई देता है, गाड़ी के एयर वेंट पे इसे लगाना है। आप मोबाइल होल्ड कर रखते हैं, पेप्सी कैन, कोको कोला, जिसके पास कार है वो अपना मोबाइल इसमें लटका सकता है। कार नहीं है तो कार खरीदो। पेन, ढेर सारे पेन। और जो सबसे ज्यादा गिफ्ट कलेक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा इनाम कलेक्ट करेगा, उसके लिए अलग सा 100 रुपीज कैश। सो जितना हो सके उतना गिफ्ट कलेक्ट करने की कोशिश करो, गिफ्ट की कोई कमी नहीं। सो बेहुदा सवाल पूछूंगा, बेहुदा जवाब चाहिए मुझे। ओके, आर यू ऑल सेट, रेडी? ठीक है, तो पहला सवाल, गाने के बोल है, फूल तुम्हें बेचा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें बेचा है खत में, ये कौन से फूल का जिक्र हो रहा है इस गाने में? Come on, give me an answer. कौन से फूल का जिक्र हो रहा है इस गाने में? कौन, जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे बेहुदा जवाब चाहिए, मैंने बेहुदा सवाल पूछा, मुझे बेहुदा जवाब चाहिए। फूल तुम्हें भेजा है कत में, किस फूल का जिक्र हो रहा है? यदि कौन सा? गोभी का फूल, सही जवाब। किसने जवाब दिया? स्मिता, स्मिता ने, स्मिता। किसने? गोभी का फूल, बिल्कुल गोभी का फूल। नहीं, ठीक है बाबा, आपको और अवसर मिलेंगे, आपको कई अवसर मिलेंगे, आपको कई अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया क्या है? यू अंडरस्टूड, ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट? शोले पिक्चर सबने देखा? शोले, सबने शोले देखा। तो ठाकुर साहब के दोनों हाथ नहीं थे, करेक्ट? ठाकुर साहब के दोनों हाथ नहीं थे, तो फिर वो खाता था कैसे और धोता था कैसे? नहीं, मैं कपड़े धोने की बात कर रहा हूं। किसने कहा? रामू काका। नहीं, उन्हें पता नहीं था, उन्हें इसका जरा भी इल्म नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरा सवाल, हेलो हेलो, ठीक है, मैं आप अभी आगे से कुछ जवाब नहीं दोगे, ओके? नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिप्लाई, आप बिल्कुल जवाब नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं, मैं आपका कोई जवाब को एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है। अगला तीसरा सवाल, सन ऑफ सरदार, अगर अजय देवगन है तो सन इन लॉ ऑफ सरदार कौन है? सन इन लॉ ऑफ सरदार
अजित नायर। किसने जवाब दिया अजित नायर? रवि। हाँ रवि तू आजा जल्दी बोल, कौन सा प्राइस चाहिए तुझे? कौन सा चाहिए? जो तू बोल सब ने एक, कोई भी बोलो कौन सा चाहिए। एक मसाला तो आटा ने का सब मिक्स करके माउस पैड। ठीक है रवि माउस पैड ले जाएगा। प्राइस कलेक्ट करो, प्राइस कलेक्ट करो, 100 रुपीस कैश। गाना सुनिए, बीड़ी जले ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। तो गाने में ऐसा क्यों है कि बीड़ी जले ले, ऐसा क्यों नहीं कि सिगरेट जले ले? क्यों? रामकुमार बीड़ी पीता था ना। रामकुमार बीड़ी पीता था? मैंने कभी देखा नहीं रामकुमार को बीड़ी पीते हुए। रामकुमार बीड़ी पीता था मैंने कभी नहीं देखा। किसी ने देखा रामकुमार को बीड़ी पीते हुए? रामकुमार टू पार्ट टू का बात कर रहा। नहीं नहीं रामकुमार कभी बीड़ी नहीं पीता था, वो तो सिगार पीता था। नहीं क्यों, मुझे जवाब चाहिए। बीड़ी जलाई ले सिगरेट जलाई ले क्यों नहीं? बीड़ी वाले गाँव के लोग। गाना गाँव में किया गया था क्योंकि नहीं नहीं क्या सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है मैं दोनों आंसर एक्सेप्ट करूंगा, दोनों को प्राइस दूंगा। आप बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको ये माउस पैड। ठीक है आपको आप क्या लोगे? नहीं ठीक है मेरे लिए बेहूदा लगा। वाह यू आर नॉट द जज, यू आर नॉट द जज, यू डोंट डिसाइड। हाँ सर आप बोलिए। होल्डर मोबाइल होल्डर कार में लटकाना है, डजंट मैटर। आप घर में किधर पे लटका सकते हैं, मोबाइल लगते हैं कैन। ठीक है ऑलराइट। गाने के बोल है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। तो आप बताइए किधर गया होगा? ठीक है और कोई कोई जवाब दे सकता है इससे बेहतर? थाना गया। ठीक है और कोई बेहतर जवाब दे सकता है? सीधा हमसा में आया। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। बोलो कहाँ गया होगा जिगर? घर गया। किसने कहा सुसु करने गया? अर्चना। ठीक है आई लाइक सब आंसर। क्या अर्चना कौन सा क्या लोगे? पेन। अर्चना पेन लेगी। ठीक है रेडी। गाने के बोल है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कौन से पत्थर का जिक्र हो रहा है इस गाने में? स्कूल में टीचर ने कौन से पत्थर सिखाया आपको? कौन से पत्थर का जिक्र हो रहा है? चौक, चौक, चौक। कौन सा? लाइमस्टोन, मार्बल। मार्बल लाइमस्टोन। ठीक है और कोई? हीरा। ठीक है और कोई? और कोई अच्छा कौन सा? कौन चौक? कौन सा? दिमाग में भरा हुआ पत्थर। कौन सा? दीमक। टर्माइट के समय पत्थर की बात कर रहा हूँ। सबसे बेहूदा वही था लाल पत्थर। ठीक है और कोई? कौन सा? किडनी स्टोन। वह ज्यादा अच्छा लगा मुझे, आई लाइक दैट स्टोन। किडनी स्टोन। वाह किडनी स्टोन का बात हो रहा है। कौन किसने जवाब दिया किडनी स्टोन? कम हियर कम हियर। किडनी स्टोन ओके। व्हाट विल यू एक्सेप्ट? मोबाइल ओके फाइन। जी हाँ इस गाने में किडनी स्टोन का पत्थर हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। अगर आमिर खान जी के गाने में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मुझे नींद ना आए नींद ना आए नींद ना आए, तो आप क्या जवाब देना चाहिए? आप बोलिए आप क्या जवाब दोगे? क्या लूज मोशन की दवाई ले लो और कोई बेहूदा जवाब? नींद का गोली ले ले।
आराम झट से कोई ने समझा नहीं तीनों बुलबुले दे आराम झट से तीनों बुलबुले दे आराम झट से ठीक है और कोई जवाब कौन सा नींद का गोली स्लीपिंग पिल्स ठीक है और कुछ स्लीपिंग पिल्स और ये लोग मेरी स्लीपिंग पिल्स कौन सा ये घर पे नहीं और कुछ इससे बेहतर जवाब नींद ना आए तो क्या करते हैं अरे दो पैक मार सकते हैं ना दो पैक मार सकते हैं तो बेहूद नहीं है नहीं ठीक है मतलब दैट इज अ नॉर्मल वे यानी कि आप लोग के पति को अगर नींद नहीं आते तो वो दो पैक मार के नॉर्मली सो जाते हैं दैट्स व्हाट इट मींस कौन सा कव्वाली का कव्वाली का कव्वाली मुझे पहले जवाब दो ना ही ना है तो दूसरे को भी उठा और कुछ और कुछ अशोक को फोन करके गाना सुना अशोक को फोन करके गाना सुना तो नींद आ जाएगा उसको जगाने का अच्छा उसको जगाने का और कोई बेहतर जवाब गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कोई डर नहीं योगा योगासन योगासन किसे नींद आता है किसी को योगा करने से किसी को नींद आता है नहीं कुछ आप बेहूदा जवाब नहीं मिला जहर खा लो ठीक है वो ज्यादा अच्छा लगा यू कम हियर कौन सा जवाब चाहिए कोई क्या लोगे पेन ठीक है जहर खा लो दैट्स द बेटर जहर जहर एक पॉइजन पॉइजन जहर खा लो हमेशा के लिए सो जाओगे नींद नहीं आ रहा है ना तो हमेशा के लिए सो जाओ जहर ले लो और हमेशा के लिए सो जाओ पल भर के लिए क्यों देखिए आमिर खान का भी एक अजीब किस्सा है आमिर खान सरफरोश फिल्म में इन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है तलाश फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल किया है बाजी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल किया है हकीकत यही है कि उसका हाइट देखे तो अब इंस्पेक्टर तो दूर की बात हवलदार का रोल के लिए भी वो सूट नहीं होता लोग प्रोड्यूसर लोग उसे पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर का रोल देते हैं अच्छा ब्लैक फिल्म देखा आप सभी ने सबने देखा ब्लैक फिल्म ब्लैक ने क्यों देखा व्हाइट क्यों नहीं देखा ठीक है ब्लैक फिल्म में रानी मुखर्जी अंधी गूंगी और बहरी थी राइट अगर वो अपनी माँ से कहना चाहती थी कि मुझे भरतनाट्यम सीखना है तो वो कैसे कहती थी कैसे कहती बताओ मुझे करके दिखाओ करके मुंह से कैसे वो गूंगी थी ना तो माँ से कही कि मुझे भरतनाट्यम सीखना है तो कैसे कही कैसे मुझे करके दिखाओ यहाँ के करके दिखाओ मुझे मुझे ऐसा नहीं मुझे करके दिखाओ कैसे सारा करके दिखाओ करो 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 कमान कैसे कैसे गूंगी याद करो वो गूंगी और बहरी है गूंगी और बहरी है तो कैसे कहेगी अपने माँ से मुझे भरतनाट्यम सीखना है ना मलयाली स्त्री गला आ रहे हो संसार क्या था ना क्या ले बड़े कोई हाँ कुछ भी जाओ तो मुझे जो ठीक लगे मैं इनाम दूंगा दैट्स इट जो चाहे आप जवाब दो मुझे उसकी परवाह नहीं घुंघरू उठा के पैर में और कोई लेडीज की तरफ से क्या इतना सिंपल सवाल तो पूछ रहा हूँ ऐसा करके कैसे आप इधर का करके दिखाओ करके दिखाओ करके नहीं इधर इले भर देखो इले मेरे को नचाएगी भरतनाट्यम ये ठीक है दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी ठीक है अभी आप बोलो बोलो कौन सा ये मोबाइल का ये कार में हुक करने का वेंट में ठीक है आई लाइक दैट आंसर आई लाइक सम दैट ठीक है अभी इसका कंटिन्यूएशन है ये पार्ट वन था अभी पार्ट टू ध्यान से सुनो अगर रानी मुखर्जी को ये कहना था अपने पिताजी से कि मुझे मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 डाउनलोड करना है तो कैसे कहेंगे हाँ कैसे कैसे करके दिखाओ याद रखो ध्यान में रखो गूंगी और बहरी है सात नंबर फोन रहते हैं सात नंबर में फोन नंबर ठीक है और सात नंबर ठीक है सात नंबर से उसका क्या पता चलेगा उसके पिताजी को कहता सात नंबर तो उससे क्या पता चलेगा खिड़की में
हाँ तो उसे उसे किसने और कुछ और कुछ और कुछ किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना है। लैपटॉप उठा के खिड़की के बाहर ठीक है, बच्चों ने कुछ कहा है, दे मेड एन अटेम्प्ट, इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया। ओके, यू कम ओवर अलेक्सेंडर, बोलो व्हाट विल यू हैव पेन। ठीक है, सी शी इज कलेक्टिंग, एक जोरदार ताली हो जाए। अरे हमारे गांव की है मल्लू है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आमिर खान का हाइट का काफी प्रॉब्लम है, तो आमिर खान को अगर हाइट बढ़ाने के लिए आपको अगर एडवाइस देना पड़े, सलाह देना पड़े, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे? कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन पियो। ठीक है, प्रीति ने कहा कॉम्प्लेन पियो। खल्ली को बुलाने से हाइट कैसे बढ़ेगा? हील्स पहनने से ठीक है, टेम्पररीली हाइट बढ़ता है, और साइकिलिंग करने से हाइट बढ़ता है, और रबर बैंड से खींचो और ऊपर से लटको, किधर से? बिल्डिंग से, रॉड से लटको। ठीक है स्मिता, पुरानी बीबी और नई बीबी को बोलो दोनों साइड से खींचो। ठीक है, ओके, ठीक है, तुम्हारे तालमेल से करो। मैंने वो एक्सेप्ट आंसर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमने गिफ्ट देना ही नहीं मुझे। नहीं स्मिता, व्हाट यू हैव टू से। ठीक है, आप लेडीज, ठीक है, आमिर खान का हाइट बढ़ाना है, आमिर खान को हाइट का प्रॉब्लम है। नीचे क्या, नीचे क्या, नीचे से लकड़ी का पाव लगाने का। ठीक है, और क्या? हील्स, और कुछ, और कोई एडवाइस, सलाह मशवरा क्या? हमेशा अपने से हाइट कम लोगों से मिलजुल के रहना। ठीक है, ओके, दैट आई लाइक सर। ठीक है प्रीति, व्हाट विल यू हैव? या वन पेन, अनपढ़ गवार लोग पेन क्या लेके क्या करेंगे? ठीक है, ऑल राइट, थोड़ी देर के लिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए, अब मैं बेहुदा सवाल नहीं पूछूंगा, सीरियस सवाल पूछूंगा और सीरियस जवाब उम्मीद करता हूं, राइट? मुझसे है, सीरियस है, अभी सीरियस है। मैं ठीक है, मैं थोड़ी देर के, मैं सिर्फ, मैंने कहा ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा प्राइस मिलेगा अगर आपने सही जवाब दिया, सही जवाब दिया तो प्राइस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, संजीव कुमार का असली नाम क्या है? नहीं, सही जवाब नहीं मिला अभी तक। नहीं नहीं, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तीनों, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। नहीं, आई टोल्ड यू, नो बेहुदा, नो बेहुदा, सीरियस आंसर, मैंने सीरियस सवाल पूछा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए सीरियस सवाल से हट रहा हूं। फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, संजीव कुमार का असली नाम बोलिए। नहीं, मुझे सीरियस चाहिए, एनीबडी? नहीं नहीं, नो मोर, नो मोर सर्चिंग, मैं देख लूंगा। नहीं, किसी, कोई भी नहीं, कोई नहीं जानता है। नहीं नहीं, सीरियस सीरियस, संजीव कुमार का असली नाम। चार ऑप्शन तो देना। नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है आपने, ठीक है, मैं एक क्लू देता हूँ, आपने कहा हरी लाल, किसने कहा हरी लाल, जो गलत है, इट्स नॉट हरी लाल, इट्स हरी हर। नहीं, ठीक है, हरी हर, लास्ट नेम जरीवाला, आप मिडिल नेम बताओ। जल्दी, संजीव कुमार का असली नाम, नोबडी, ठीक है, दैट इज फास्ट, इसका असली नाम है हरिहर जेठालाल जरीवाला।
हरिहर जेठालाल जरीवाला, तो नो प्राइज। अब ठीक है, अगला सीधे सवाल, राजकुमार जानी, इनका असली नाम बताइए। राजकुमार का असली नाम? नहीं बताओ, फिल्म स्टार राजकुमार का असली नाम? नहीं, राजकुमार का असली नाम ठीक है, गिव द प्राइस, क्योंकि उनका असली नाम है कुलभूषण पंडित। ओके, उसका असली नाम है कुलभूषण पंडित, बट आई गिव द प्राइस, आपने कुलभूषण तो कहा, यू कैन कम ओवर। आप चीटिंग तो नहीं कर रहे मोबाइल पे, कोई आईफोन पे तो नहीं कर रहे? नहीं ना, ठीक है। व्हाट विल यू हैव? मोर दिस वन, दिस वन माउस पैड, ठीक है। उनका असली नाम था कुलभूषण पंडित, ठीक है। आपने एक जवाब तो दिया, इसका दूसरा जवाब कोई दे सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले राजकुमार क्या करते थे और कहाँ काम करते थे? क्या करते थे, कहाँ काम करते थे? मैंने दो सवाल पूछा, आपने सिर्फ एक जवाब दिया, ओ पुलिस इंस्पेक्टर। मैं पूछा कहाँ तैनात थे, काम करते थे, कहाँ तैनात थे? करेक्ट, मिस्टर श्रीनिवासन ने कई जवाब दिया, वो माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर थे। सुंदर सुंदर, हाँ वापस आप आ जाएंगे, दूसरा प्राइस देंगे जी। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है। ये पेन ले रहे हैं, मेरा गांव वाला है, उनका ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। और एक सीरियस, विलेन रंजीत का असली नाम बताइए। रंजीत असली नाम उनका? एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रकाश गोपाल बेदी, गोपाल बेदी। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी, क्या व्हाट विल यू हैव? बहुत कम लोगों को पता है कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी था फिल्मों में आने से पहले, ठीक है। एक सिंपल, धर्मेंद्र का असली नाम बताइए। धर्मजीत देओल, धर्म सिंह देओल, धर्म सिंह देओल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आ जाओ, बहुत अच्छी जवाब दिया, बहुत क्या वाट लिया, माउस पैड, माउस पकड़ने के लिए होता है माउस पैड, आर यू अवेयर ऑफ इट? ओके गुड, मैंने पहले भी बोला था मुझे आता चाहिए, ठीक है। वी शांताराम का पूरा नाम बताओ, वी व्हाट इज दैट, वी शांताराम, वी शांताराम का पूरा नाम बताओ, क्या नहीं गलत, वी शांताराम का नहीं आ गया, शांताराम राजा राम वन कुड्रे, मैं लास्ट नहीं, मैंने पूरा नाम पूछा, मेरा सवाल था पूरा नाम, आपने पूरा नाम नहीं बताया, उनका पूरा नाम है शांताराम राजा राम वन कुड्रे, वन कुड्रे, ठीक है आपने बोला, ठीक है मैं आपको प्राइस दूंगी, आप बोलिए, आप पेन दीजिए, मतलब टाइम टाइम, ठीक है होल्डर, ठीक है। एके हंगल, एके हंगल, व्हाट डज एके स्टैंड फॉर, व्हाट डज एके स्टैंड फॉर? ऑटोमेटिक कलश्निकोव, एके एके हंगल, एके एके सीजन में जाओ, नहीं मुझे सही जवाब चाहिए, नहीं ओके पास, नोबडी नोस, आंसर इज अवतार किशन हंगल, अवतार किशन हंगल, उनका नाम ए के हंगल नहीं, ए के 47 होना चाहिए, ठीक है।
भारत में पहली फिल्म जो बनी थी वो फिल्म कौन सी भाषा में बनी थी? साइलेंट, दैट इज द करेक्ट, कोई भाषा में नहीं। पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो साइलेंट मूवी था, उसमें कोई भाषा नहीं था। करेक्ट, साइलेंट मूवी था, फर्स्ट मूवी वॉज राजा हरिश्चंद्र और साइलेंट मूवी था, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई भाषा नहीं। मदर इंडिया की हीरोइन थी नरगिस। अगर फादर इंडिया नाम से फिल्म बनता तो उसका हीरो कौन होता? मदर इंडिया इज नरगिस, सो इफ द मूवी वॉज फादर इंडिया, हु वुड हैव बीन द हीरो? सुनील दत्त। कौन? राजकुमार। ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो फिल्म में फादर का रोल राजकुमार नहीं किया था। क्या के लिए मैं मनोज कुमार नहीं, आप आ जाओ, ये आप करेक्ट है, आप करेक्ट है। हाँ बोलिए, व्हाट विल यू सर? ये रेडी फॉर द नेक्स्ट बेहुदा सवाल? बेहुदा, ओके, सो बेहुदा सवाल, हु इज द फादर ऑफ द नेशन? ठीक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही नहीं पूछा। अन्ना रेडियो पर पा रेडियो टाटा सुन ले, ठीक है। अगेन क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, फादर ऑफ द नेशन इज महात्मा गांधी, राइट? सो हु इज द मदर ऑफ द नेशन? कस्तूरबा। मैंने कहा बेहुदा सवाल पूछूंगा, मुझे बेहुदा जवाब चाहिए। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, हु इज द मदर ऑफ द नेशन? कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, नरगिस, अनिता पवार, नहीं, नीरपा रॉय, नहीं, कौन कौन? कैटरीना कैफ, कौन? नहीं, तुम्हारी बातों को पहचानता तक नहीं। कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी नहीं, और कोई? मेरे दिमाग में जवाब, मुझे वही सुनना है, मेरे दिमाग। राखी सावंत, दैट्स करेक्ट, राखी सावंत, दैट इज द आंसर। दैट्स करेक्ट। अनिता, व्हाट विल यू हैव? पेन। घर में जाके लिखना पढ़ना सीखना। सो ठीक है, गाना के बोल, गाने के बोल है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, कौन सा झुमका, राइट या लेफ्ट? देते जाओ, देते जाओ, नहीं, ठीक है, कोई देते जाओ, देते जाओ, मुझे प्राइस दे। कौन सा झुमका? नहीं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सवाल क्या भाई? मायावती। कौन सा झुमका? सोने का झुमका। सोने का झुमका, नहीं, पास पास, जवाब था दोनों झुमका, किसी ने दोनों झुमका नहीं कहा, पास। आगे बढ़ते, गाने की बोल है, तेरे फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसा अंग, जब से पड़ी है नजर मैं तो रह गया दंग, पड़ी है नजर, किसकी नजर पड़ी, किसकी नजर? डाकू,
लोगों की बाजू वाले की और किसी की लायन की कुत्ते की और किसके बुरी नजर वाली और अशोक की और अजीत की और जवाब दो तेरे पप्पा की तेरा पप्पा अच्छा है कोई है रामकुमार की नजर पहले से बहुत बुरी है वाट एन मोबाइल होल्डर ठीक है आप लोगों ने फिल्म देखा रोटी कपड़ा और मकान सबने रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ का एक हाथ नहीं था करेक्ट एक हाथ नहीं था याद है उसी बाइक चलाते एक हाथ है या नहीं नहीं है एक हाथ नहीं है और फिर भी वो क्या करता है उस मूवी में वो बाइक चलाता है फर्स्ट करो कि उसके दोनों हाथ नहीं है तो बाइक कैसे चलाते हैं नहीं वो बाइक चलाएगा नहीं कैसे चलाएगा आप एक हाथ नहीं है फिर भी वो बाइक चला रहा है दोनों हाथ नहीं होता तो कैसे बाइक चला पैर से चलो करके दिखाओ कैसे पैर से बाइक चला इधर आप करके दिखाओ पैर से कैसे बाइक चलाएगा चलेगी अपने आप हाँ बाइक अपने आप चलेगी बटन दबाएगा ऑटोमेटिक बाइक बटन दबाने से चलता है अच्छा ठीक है और कोई जवाब गियरलेस बाइक ठीक है गियरलेस गियर तो पैर में होता है यहाँ तो हाथ का है ठीक है और कोई जवाब हेमा मालिनी पीछे बैठ के लेकिन रोटी कपड़ा और मकान में हेमा मालिनी है जीरो तो माने मेरे ख्याल से आपका पति ने पिक्चर नहीं देखा है और यहाँ फिर आप पागला जया बाद्री पीछे से ठीक है एक्सेप्टेड आंसर बोलिए व्हाट विल यू कंप्लेन मोबाइल होल्डर ऊपर चढ़ के ले रहेगा टूट जाएगा स्टेज मेरे वजन उठा सकते हैं जय भद्री धकेले ठीक है आपने सुहाग फिल्म देखा सुहाग फिल्म में अमिताभ के दोनों हाथ सही सलामत है और वो डांडिया खेल रहा है राइट कौन सा गाना है वो करेक्ट ठीक है दैट इज नॉट द क्वेश्चन क्वेश्चन इज अब रोटी कपड़ा मकान में उनके एक हाथ नहीं थे अगर वो सुहाग फिल्म में भी फर्स्ट करो कि दोनों हाथ नहीं थे तो फिर वो डांडिया कैसे खेलते इसका जवाब मैं नहीं दे सकते यार मैंने कहा दोनों हाथ नहीं है और डांडिया खेलना है ये नाम रे खेलना कैसे खेलेगा मुंह से कैसे नहीं नाक से डांडा खेल सकते हैं पप्पू नमस्कार ये विशेष आपका बेटा कह रहे हैं नाक में दो लकड़ी रखकर डांडा खेला जा सकता है डू एग्री नहीं तू बता तू उसका पिताजी है यू बॉट इट विद दिस वर्ल्ड यू टेल मी वो बोला कि नाक के दोनों डांडा खेल डांडे से डांडा खेल सकते हैं डू यू एक्सेप्ट खेल हाँ हो सकते हैं यू से हो सकता है मुमकिन है पॉसिबल है तो चलो आई विल गिव यू द प्राइस गेम प्लेयर्स तक के रोका बाप पे मत जा
ये आप लोग रहे हैं? I'm fine, thanks. ये फिल्म देखा है? कल हो ना हो परसों तो होगा ही. फिल्म देखा है? कल हो ना हो परसों तो होगा ही. ऐसा कोई फिल्म था कभी? फिल्म रिलीज हुआ? मैं फिल्म में पूछ रहा हूँ. हाँ, कल हो ना हो परसों तो होगा ही. इस फिल्म का हीरो कौन है? शाहरुख खान. ठीक है, सही. ठीक है, गुड गुड गुड. और क्या आपने ये फिल्म देखा है? कभी खुशी कभी च्युइंग गम. देखा है? ठीक है, दोनों फिल्म में क्या समानता है? दोनों फिल्म में क्या समानता है? सब लोग रोते हैं, सब लोग रुलाए. करण जौहर. करण जौहर. हाँ, शाहरुख खान. ठीक है, और कुछ? और कुछ? शाहरुख खान आगे. मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे बेहूदा जवाब चाहिए. बेहूदा जवाब नहीं है ये. जो भी हो, फिल्म देखा है दोनों? सब लोग रोया. दोनों फिल्म में सब रोया. ठीक है, यू वांट टू एक्सेप्ट द आंसर? कर ले यार, कर ले, कर ले. नो बोल रहा है ये बच्चे, बोले नो. ठीक है, आई विल नॉट एक्सेप्ट द आंसर. और कुछ लेडीज? दोनों में शंकर ईशान लॉय म्यूजिक डायरेक्टर. दोनों फिल्म में हंसता है. दोनों फिल्म में अकलाता है. फिल्म में अकलाता है. ठीक है, नहीं, मुझे एक जवाब है दिमाग के अंदर, मुझे वही जवाब सुनना है. अरे क्वेश्चन है ये, आपने सब पिक्चर देखा? कल हो ना हो परसों तो होगा ही. और ये पिक्चर भी देखा? कभी खुशी कभी च्युइंग गम. अरे नहीं, मेरे जवाब है कि दोनों फिल्म में शाहरुख खान का एक्टिंग जो है बर्दाश्त के बाहर है. दैट इज द आंसर. ये आंसर किसी ने नहीं किया. पास. दोनों फिल्में बर्दाश्त करने के लायक नहीं. ठीक है, नो आंसर, नो आंसर, नो प्राइज. पब्लिक रोता है उसके लिए ना. अगेन गाना सुना है? हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग. ठीक है, चलो हुड़ हुड़ का मतलब समझाओ. कबूतर को भगाना. हुड़ हुड़ का मतलब समझाओ मुझे. मुझे नहीं पता ये हुड़ हुड़ क्या होता है. मैंने कभी सुना नहीं. मुझे स्कूल में हिंदी टीचर ने सिखाया नहीं. हुड़ हुड़. हुड़ हुड़ का मतलब समझाओ. हाँ, हुक्का. ठीक है, मिस्टर करीबुल में हुक्का. भाग इधर से. कल्पना करें भाग. और कोई जवाब? वो रॉबिन हुड के लिए कोड है वो. एकदम रात को चोरी करने का टाइम रॉबिन हुड के लिए हिंट है. हुड़ हुड़ दबंग दबंग करके सब आके हुड़की 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 ना हुड़का ना के कोड़ते इससे इष्ट है हुड़का. क्या हुड़ूड़ी क्या है? मेरे को हुड़ूड़ का मतलब समझाओ. नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गिव आंसर. हुड़ हुड़ूड़ का मतलब बोलिए. यस, अच्छा हुड़ूड़ गैस. आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हुक्का. हुड़ूड़ तो हुक्का. ठीक है, चलो हम आपको प्राइज दे देते हैं. आपके आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं. आ जाओ, हेलो एन बेको. हम उनका एक्सेप्ट. जाओ, हुड़ हुड़ का मतलब हुक्का. उनका कह रहे हैं हुक्का. मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है, उनको इन्हें अभी तक प्राइज नहीं दिया. ओ, आप यू कैनॉट. आप बोलिए, आप इधर तक बताइए क्या वाट विल एक्सेप्ट. ठीक है, मैं बता रहा हूँ. ओके, ठीक है. और रेडी फॉर द नेक्स्ट बेहूदा सवाल? आप लोग की तरफ से क्या हो रहा है? आप लोग एकदम साइलेंट मूवी की तरह है. साइलेंट एकदम एकदम. गाना के बोल है रंबा हो संबा हो. अब ये रंबा और संबा का मतलब मुझे समझाओ. ये रंबा का मतलब क्या है? संबा का मतलब क्या है? रंबा मतलब रम पी के संबा नाचने को. रंबा और संबा दोनों लवर है. रंबा हो संभा. तो लवर है तो गाने के बोल क्यों? रंबा हो संभा हो. इसका मीनिंग क्या हुआ? अफ्रीका से आया. क्या
रसम और सांबा, रंबा हो सांबा हो रसम और सांबा, क्या करूं सेलेक्ट ठीक है आपको दे देता हूं आ जाओ आपको बार बार रुक के आना पड़ता आर्थराइटिस है आपको ए ताली मार थोड़ा ताली मार हां हेलो पेन नहीं तो एक वॉलंटियर रखो बच्चा लोग में से प्राइस पहुंचाने के लिए गाने के बोल सुनो आइए यहाँ करूँ मैं क्या सुकु सुकु अब ये सुकु सुकु का मतलब समझाओ आइए यहाँ करूँ मैं क्या सुकु 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 का मतलब नहीं करेक्ट अब आरुप अंदर संसार क्या था ठंडी सुकु सुकु है ना तेरी माँ तेरी था सुकू सुकू कपड़ा सुखा रहा है कपड़ा सुखा रहा है ठीक है एक्सेप्ट द आंसर सुखाने का सुकू 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 मतलब सुखाने के लिए आइए क्या करूं मैं क्या सुकू सुकू सुखाने के लिए ठीक है एक्सेप्ट द आंसर बोलो कल्पना व्हाट विल यू हैव ये ठीक है ओके गाने के बोल है झूम झूम के नाचो आज नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो गाओ खुशी के गीत हो झूम झूम के नाचो आज तो कौन से नाच का जिक्र हो रहा है कैबरे ठीक है कैबरे और कोई डांडिया और कोई भरतनाट्यम और कोई कुछ मधुशोक के नाचना और लावणी बेली डांस ठीक है कौन सा खुशी का डांस है कि कौन सा डांस डांस कुछ तो डांस होगा मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम और कुछ कोली डांस कौन सा ओडिसी पांडव और कथकली आप कौन सा बोला ताना आप कौन सा नहीं मुझे कैबरे ज्यादा अच्छा लगा उन्होंने कैबरे जवाब दिया आपने ठीक है आपको कौन सा माउस पैड ठीक है तो कैबरे का जिक्र हो रहा है इस गाने में और राइट डायलॉग सुनिए एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता दो बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता तीन बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मेरी कोई नहीं सुनता ये कौन से पिक्चर का डायलॉग है वांटेड मूवी में पूरा डायलॉग था जो मैंने अभी था वो सारा डायलॉग था उसमें नहीं आप में से कोई जवाब अशोका वांटेड थ्री मुझे ज्यादा अच्छा लगा ये वांटेड थ्री मूवी